पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 11 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में। सेक्शन 11 हमें बताता है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट एनफोर्सिएबल। देखो, इसमें सबसे पहले जनरल रूल सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि ट्रस्ट से रिलेटेड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वह एनफोर्सिएबल होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक्सेप्शन है क्या, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि स्पेसिफिकली आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। सो कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर ट्रस्टी ने कर दिया है उसके पावर के एक्सेस में, ठीक है, उसके पावर से ऊपर जा करके, मतलब जितनी उसकी पावर है उससे ऊपर जा करके अगर उसने कोई काम कर दिया है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोर्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकती। और किसी तरीके से भले डैमेजेस दिलवा दे लेकिन स्पेसिफिकली कहे कि यही काम होना चाहिए तो वो चीज कोर्ट एनफोर्स नहीं करा सकती। यही हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था कि हम देखेंगे सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 में क्या कोर्ट डिनाई करेगी कि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चीज का नहीं करा सकते। समझ में आया? इसको हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं और आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लो ए की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी ए ने बी को दे दी एज ए ट्रस्टी कि तुम भाई इस प्रॉपर्टी के ट्रस्टी हो और मेरा बेटा अभी माइनर है, कोई सी पर्सन है जो अभी माइनर है, ए का जो बेटा है सी वो माइनर है और वो जब मेजर हो जाएगा तब तुम प्रॉपर्टी इसको दे देना, ठीक है। ए ने अपनी प्रॉपर्टी रखी बी के पास एज अ ट्रस्टी, बी कौन है, ट्रस्टी, ठीक है, उसके पास उसने प्रॉपर्टी रखी और कहा कि जब मेरा बेटा मेजर हो जाएगा 18+ हो जाएगा तो तुम प्रॉपर्टी उसे दे देना। अब बी क्या करता है, बी वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर देता है या फिर ऐसे मान लो सेल कर देता है डी को। बी ने क्या किया, वो जो प्रॉपर्टी का उसको ट्रस्टी बनाया गया था, उसको ट्रस्टी बनाया गया था, वो ओनर नहीं था उस प्रॉपर्टी का। अब उसने क्या किया, अपनी पावर के एक्सेस में जाकर के, वही यहां पर लिखा है, अपनी पावर के एक्सेस में जाकर के ट्रस्टी ने काम किया और प्रॉपर्टी डी को बेच दी। तो यहां पर क्या करेगी कोर्ट, क्या कोर्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स कराएगी कि हाँ भाई चलो डी को दे देंगे प्रॉपर्टी? नहीं, डी जो है अब स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा सकता क्योंकि वो प्रॉपर्टी ए की थी, बी सिर्फ और सिर्फ वहां पर ट्रस्टी था, ठीक है, बी के पास कोई राइट नहीं थे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर या सेल करने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ट्रस्टी अपने पावर के एक्सेस में जाकर के कोई काम कर देता है तो कोर्ट जो है वो उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा सकती। तो यहां पर अगर डी भागा भागा कोर्ट में जाता है और कहता है कि नहीं भाई प्रॉपर्टी तो मुझे चाहिए, बी ने मुझे सेल की है, तो कोर्ट उसे कहेगी कि नहीं, बी उस प्रॉपर्टी का ट्रस्टी था, बी ने अपने जो है पावर के एक्सेस में जाकर के उस प्रॉपर्टी को सेल किया था, इसलिए आपका उस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं बनता है। तो डी उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं करा सकता, ठीक है। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 14 की। हम लोग इस तरीके से कनेक्ट कर करके अभी पढ़ रहे हैं। ये मत समझना कि एक फ्लो में सारे सेक्शंस चलेंगे कि सेक्शन 10, 11, 12, 13, 14, इस तरीके से नहीं। मैं तोड़ तोड़ के इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आसानी से समझ में आए और आप कनेक्ट करके पढ़ सके, लिंक करके पढ़ सके, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।